कार्यकर्ताओं ने लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। देश के मतदाताओं का ये विवेकपूर्ण निर्णय देश को विकसित करने के संकल्प को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जिस तरह से देश में आमूलचूल परिवर्तन किया, निराशा के गर्त में डूबे हुए भारत को आशा से लबरेज कर भारत विकसित हो सकता है इस विश्वास से परिपूरित कर भारत विकसित हो सकता है पूरे विश्व भर में इस संदेश को प्रतिस्थापित करने में जो सफलता प्राप्त की है, देश के मतदाताओं ने उस पर मोहर लगाई है। माननीय मोदी जी की सरकार निरंतरता की पहचान रखने वाली सरकार है। पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में उनके विजन के अनुरूप जिस तरह से देश में कला संस्कृति मंत्रालय ने काम किया है और भारत की संस्कृति को देखकर एक बार पुनः जिस तरह से पूरा विश्व विस्मित है, चकित है, विभिन्न पायदानों और विभिन्न आयामों के माध्यम से जिस तरह से भारत की एक नई पहचान और छवि पूरी विश्व भर में बनी है, इस काम को आगे बढ़ाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला है। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप विकसित भारत बनाने में संस्कृति मंत्रालय और हमारा पर्यटन मंत्रालय दोनों विशेष योगदान करें, इस सब के लिए हम सब लोग समन्वित रूप से प्रयास करेंगे।